Good morning, students. So in this class we will learn about estimating sum and estimating difference. So let us first learn about estimating sum. एस्टिमेटिंग सम का मतलब क्या होता है कि हमें राउंड ऑफ करना है कोई भी नंबर को टू नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और सो ऑन. सो इट इज गिवन. सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस. इसको हमें करना है नियरेस्ट टेंस टू nearest tens, right? So, अभी कंडीशन याद रखनी है. अगर नंबर 0 से लेके 4 के बीच में आए तो हमें चेंज नहीं करना. नो चेंज. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म NC. और अगर नंबर आए 5 से लेके 9 तक के बीच में तो हमें चेंज करना है, राइट? विद टेंस. तो टेंस में, टेन में कितने जीरो आते हैं? 1 0. तो इसके 1 1 नंबर को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, राइट? अंडरलाइन कर लिया हमने. देन अभी क्या करना है? चेक करना है कि ये नंबर किसके बीच में आता है. 0 से लेके 4 के बीच में आता है? नो. किसके बीच में आता है? 5 से लेके 9 के बीच में. तो 5 से लेके 9 के बीच में आए तो हमें करना है चेंज. तो अगर हम ये नंबर 5 से लेके 9 के बीच में आता है तो हमें करना है चेंज. किसको? ये वाले नंबर को. एक नंबर ज़्यादा बढ़ा देना है. तो क्या आएगा? 1 5 0, राइट? प्लस है. सो प्लस. देन सेकेंड नंबर चेक करो. 7. 7 किसके बीच में आता है? 0 से लेके 5 के बीच में. तो हमें चेंज करना है. यस. तो ये 5 का क्या हो जाएगा? 6. 360. अभी ये दोनों नंबर को हमें प्लस करना है. 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. So our answer is 510. Understood? One more example. यहाँ देखो, nearest tens यानी last के 1 1 digit तो 0 हो ही जाएंगे. ना 2 है तो हमें चेंज करना है. 2 किसके बीच में आता है? 0 से लेके 4 के बीच में. तो हम चेंज करेंगे नहीं. तो ये 4 का क्या होगा? 4 ही. 240 प्लस. 3 है तो हमें चेंज करना है? नो. तो 5 का 5 रहेगा. 150. 0 प्लस 0 0. 5 प्लस 4 9. 2 प्लस 1 3. अंडरस्टूड? नाउ we will try estimating the sum to nearest hundreds करेंगे. same thing करना है हमें, right? but estimating to nearest tens करते तो उसमें एक नंबर जीरो कर दे. हंड्रेड्स में कितने नंबर जीरो करना है? 2. हंड्रेड्स. सो कंडीशन क्या थी? 0 से लेके 4 नो चेंज और 5 से लेके 9 वी हैव टू चेंज. तो 100 यानी ये दो और इसके दो नंबर 0 हो गए, राइट? यहाँ पे 6 है. 6 है तो हमें चेंज करना है. 6 किसके बीच में आता है? 5 से लेके 9 के बीच में. तो हमें चेंज करना है. तो ये 3 का क्या हो जाएगा? 4 प्लस.
टू है तो हमें चेंज करना है नो, क्योंकि टू किसके बीच में आता है, जीरो से लेके फोर के बीच में, तो ये वन का क्या रहेगा, वन ही, और दो नंबर हो जाएंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, फोर प्लस वन फाइव, डन, अंडरस्टूड? नो, 27 प्लस 89। अभी हम क्या करेंगे, इसमें तो बोला है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स, पर यहाँ पे तो वन स्टेंस ही दिए, तो मैं ये दो नंबर तो जीरो हो जाएंगे, राइट ना? टू है तो हमें चेंज करना है नो, तो ये तो दोनों जीरो जीरो ही रह गए। एट है तो चेंज करना है यस, एट है तो ये दोनों जीरो हो गए, तो आगे सपोज यहाँ पे जीरो है दोनों में, तो ये जीरो का क्या हो जाएगा, वन, सो वन जीरो जीरो, सो और आंसर इज 100। समझ में आया? जब भी बोला हो नियरेस्ट हंड्रेड फाइंड करो और टू डिजिट ही दिए हो, तो वो टू डिजिट तो जीरो हो ही जाएंगे, तो आगे एक एक्स्ट्रा का जीरो डाल देने का। समझ में आया? नाउ एस्टिमेटिंग द डिफरेंस टू नियरेस्ट टेंस, सेम थिंग करना है, सम में हमें प्लस करना होता है और डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, माइनस। एस्टिमेटिंग डिफरेंस टू नियरेस्ट टेंस, कंडीशन जीरो से फोर नो चेंज, और फाइव से नाइन चेंज, राइट? नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल, 467 माइनस 93, 10 से तो 10 में कितने जीरो, वन जीरो, तो ये वन वन डिजिट हमें तो जीरो कर देने। सेवन आया तो चेंज होगा ये, यस, क्योंकि वो फाइव से लेके नाइन के बीच में आता है, तो फोर सिक्स का क्या हो जाएगा, सेवन जीरो, माइनस थ्री है तो हमें चेंज करना है नो, तो नाइन का रहेगा नाइन ही, और ये हो जाएगा जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, सेवन माइनस नाइन नहीं होता, तो ये हो गया 17 और ये हो गया 3, राइट? नाउ नाइन के बाद वाले नंबर 17 से, नाइन के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 कितने आए, 8, 3 बज गया, सो 380। वन मोर एग्जांपल, 446, लास्ट के टू वन वन डिजिट जीरो हो गए, सिक्स से तो चेंज करना है यस, तो ये फोर का क्या हो जाएगा, फाइव, 450 माइनस वन है तो चेंज करना है नो, थ्री का थ्री रहेगा, 230, जीरो माइनस जीरो जीरो, फाइव माइनस थ्री टू, टू माइनस टू टू, 220, अंडरस्टूड? नाउ लेट अस ट्राई फॉर एस्टिमेटिंग द डिफरेंस टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स हंड्रेड यानी कितने नंबर को हमें जीरो करना है, टू डिजिट को जीरो करना है। सो यहाँ पे ये टू डिजिट जीरो हो जाएंगे, यहाँ से ये टू डिजिट जीरो हो जाएंगे। चेक इसको करना है, सिक्स, सिक्स है तो चेंज करना है यस, क्योंकि सिक्स तो इसके बीच में आता है, सो फोर का क्या हो जाएगा, फाइव, और जो अंडरलाइन किया है उसको जीरो। फाइव है तो चेंज करना है यस, फाइव है तो हमें चेंज करना ही है, तो ये फोर, थ्री का क्या हो जाएगा, फोर, और अंडरलाइन किया उसको जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, फाइव माइनस फोर वन, डन, अंडरस्टूड? नियरेस्ट हंड्रेड्स करना, पर टू टू डिजिट ही है, तो क्या करेंगे, दोनों जीरो हो ही जाएंगे, यहाँ पे जीरो जीरो डाल देता हूँ मैं,
9 है तो चेंज करना है, यस, तो क्या हो गया 100, माइनस 4 है तो चेंज करना है, नो, तो 0 0 0, आंसर इज 100, अंडरस्टूड, थैंक यू।